नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए बबल डिज़ाइन लेकर आई हूं फ्रेंड्स। ये आप बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं, ये डिज़ाइन आप शॉल में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, कार्डिगन में आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर जो है ये बॉर्डर बनेगा इसका। ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है। इसको बनाने के लिए मैंने मल्टी कलर में ये बनाया है। आप इसमें कोई भी कलर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इस कलर पर सिखाऊंगी। ये देखिए, आप जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप बनाएंगे उसके लिए आपने जो फंदे आपने डालने हैं आप वो फंदे आप उसमें डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमने फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद जो है हम जो है दो फंदे जो है हम सीधे बनाएंगे। ये दो फंदे मैंने सीधे बनाए। अब तीसरे फंदे पर जो है ये देखिए, हमने सीधा बनाया, धागे को अपनी साइड करेंगे, फिर जो है हम सीधा बनाएंगे। यानी एक सीधा हमने बना लिया, इस फंदे को हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा दूसरा, और तब ये बनेगा तो ये हमारा हो गया तीन फंदे। ठीक है, फिर धागा हम अपनी साइड करेंगे, यानी धागा जो है अपनी साइड हम दो बार करेंगे तो हमारे ये जो है पाँच फंदे ये बन जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पाँच फंदे तब बन जाते हैं। इस सिलाई को हम जो है ऐसे घुमा देंगे ये ऐसे, और फिर इन पांच फंदों को हम बनाएंगे। पांच फंदों को हमने उल्टा ही बनाना है। उस साइड से हमने सीधा बनाया था, इस साइड से जो है हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, सिर्फ पांच फंदे बनाने हैं। ये जो दो फंदे हैं इन पर हमने कुछ नहीं करना है। अब हम अपनी सिलाई को इस तरफ घुमा देते हैं सीधी साइड में। सीधी साइड घुमा के अब इन फंदों को, पांच फंदों को हमने फिर से सीधा बनाना है। ये देखिए, ये हमने सीधा बना दिया। अब हम इसको फिर से ऐसे घुमा देंगे ये ऐसे, फिर ये फंदे जो है पांच फंदे ही हमने फिर से उल्टे बनाने हैं। ये बना दिया, फिर उसके बाद हम इसको फिर से घुमा देंगे। ये देखिए, फिर अब हम बनाएंगे फिर से सीधा। पांच फंदे हमने फिर से सीधे बनाए। सीधे बनाने के बाद हम फिर सिलाई को घुमाएंगे और फिर बनाएंगे हम उल्टा। ये देखिए, अब आपने बबल जो बनाने हैं वो किस हिसाब से बनाने हैं आप उसी हिसाब से जो है अपनी रो जो है बना सकते हैं। तो ये चार पांच रो जैसे हम बना लेते हैं, उसके बाद जो है ये देखिए, इसको हम सीधी साइड कर देंगे। सीधी साइड करने के बाद देखिए, ये वाले फंदा हमारा इस साइड है, धागा हमारा इस साइड है। अब इसको छोड़ देंगे और ये वाला फंदा उठाएंगे इसको, और इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर ये फंदा निकलेंगे, इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर ये फंदा लेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब ये हमारा फिफ्थ है ये वाला, इसको भी इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब ये हमारा जो है लास्ट फंदा, जिस पर हमने पांच फंदे बढ़ाए थे, ये हमारा वो वाला फंदा। इस वाले फंदे को हम अपनी लेफ्ट वाली सिलाई पर, सॉरी राइट वाली पर ले लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से जो है हमारा बबल जो है ये बन गया। अब उसके बाद जो है हम तीन फंदे जो है इसमें ये सीधे बनाएंगे। ये तीन फंदे हमने सीधे बनाए। सीधे बनाने के बाद फिर ये देखिए, इस वाली सिलाई पर एक बनाया हमने, धागे को अपनी साइड करेंगे, और इसको हमने दो बार बनाया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, और ये हमारे पांच फंदे जो है ये ऐसे ही बन जाते हैं। फिर इसको ऐसे ही घुमाएंगे। ये हमारी फर्स्ट हो गई थी, अब ये हमारी सेकंड रो है। ये सेकंड रो हो गई हमारी। अब आएंगे थर्ड रो पर। थर्ड रो सीधी साइड, इसको घुमा देंगे हम सिलाई को। सिर्फ ये पांच फंदे जो है यही हमने जो है इन्हीं को ही बार बार जो है रिपीट करना है। फिर इसको घुमाएंगे, फिर ऐसे ही बनाएंगे इसको। ये उल्टा बनाया हमने। और ये देखिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कितने फंदे जो है हमारे बन रहे हैं। फिर इसको घुमाएंगे, फिर हम फिर सीधा बनाएंगे।
ये देखिए फिर सीधा बनाया। अब इसको हम फिर से घुमा देंगे और इसको उल्टा बना देंगे। बहुत ही जो है इजी है ये बनाना और बहुत सुंदर भी ये दिखाई देता है। ये देखिए ये पांच फंदे हमारे बन गए, अपने आप ही ये गैप आ गया। अब उसके फिर हम घुमा देंगे, सीधी साइड आ गया है ये। अब ये देखिए वही करना है, ये वाला फंदा लेंगे, इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे, फिर इसको लेंगे, इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे, फिर ये लेंगे फंदा, इसको निकाल देंगे, फिर इसको लेंगे और इसको भी निकाल देंगे। यानी चार फंदे जो है हम इसके ऊपर से निकाल देते हैं। अब ये वाला जो है फंदा, इसको हम इस पर ये ऐसे ले लेंगे। ये देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद फिर वैसे ही करना है, हमने तीन फंदे हम बनाएंगे और ऐसे ही जैसे आप अपना स्वेटर बनाएंगे ऐसे ही आप अपने फंदों के अकॉर्डिंग जो है आप ये डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। तो आपके ये जो है इस तरीके से ये बबल बन जाएंगे, बहुत ही सुंदर जो है ये डिज़ाइन लगता है। ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।